वेलकम फ्रेंड्स फ्रेंड्स इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप किसी भी मोटर का लिफ्टिंग पावर को निकाल सकते हैं। कहने का अर्थ है फ्रेंड्स, जैसे कि यहाँ पर आप एक अरेंजमेंट देख पा रहे हैं, इस अरेंजमेंट के अनुसार एक ये मोटर है, ये मोटर एक रोप की सहायता से इस वजन को, इस वेट को हैंग किए हुए है, तो ये लिफ्ट कर रहा है। ये मोटर का रेटिंग क्या हो सकता है, कैसे इसे निकालेंगे, इसी वीडियो में आप जानेंगे। तो फ्रेंड्स इस मेथड का यूज आप कर सकते हैं अगर आप रोबोटिक्स में इंटरेस्टेड हैं, या फिर कोई भी चीज़ आप अपने घर में छोटा सा प्रोजेक्ट बनाना चाहते हो, या फिर इस तरह का कोई भी चीज़ आप बनाना चाहते हो, आप लिफ्ट में भी इस तरह का कैलकुलेशन को देखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स वीडियो को शुरू करते हैं और कुछ नया सीखते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो इसके लिए ये मैं एक आपको एग्जांपल के थ्रू समझाऊंगा, आप अपने रिक्वायरमेंट के अनुसार आप डेटा को चेंज करके आप एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है कि हमें निकालना है मोटर की व्हाट इज पावर, किस पावर का हमें मोटर को यूज़ करना है। और हमने एग्जांपल के लिए मान रखा है कि यहाँ ये 100 kg का एक वेट हमने यहाँ पर हैंग किए हुए है एक रोप की हेल्प से। ठीक है, तो फ्रेंड्स हमें इसका निकालने के लिए, इस मोटर की पावर निकालने के लिए एग्जांपल के तौर पर हम ये मान लेते हैं कि 100 kg का हमारे पास वेट है। ठीक है, और हम ये एक मिनट में 10 meters इसे लिफ्ट करना है। एक मिनट में कितना मीटर लिफ्ट करना है, 10 meters। ठीक है, एक मिनट में इसे 10 meters लिफ्ट करना है। और कैसे ये कैलकुलेशन करेंगे चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स ये है लिफ्टिंग, लिफ्टिंग जो है फ्रेंड्स ये जो है मैकेनिकल एनर्जी है, और हमारे पास जो मोटर है ये है इलेक्ट्रिकल। तो फ्रेंड्स इसका हमें एक कॉम्बिनेशन करना होगा, एक तालमेल इसके बीच बैठाना होगा। तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल एनर्जी को बैलेंस करना होगा। तो ये कैसे करेंगे, तो हमें क्या करना होगा, मोटर में इनपुट देना होगा। ठीक है, तो मोटर में हम इनपुट देंगे और हमें आउटपुट क्या मिलेगा, मैकेनिकल एनर्जी। जैसे कि आपको पता ही है मोटर का डिफिनेशन ही होता है, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं, इलेक्ट्रिक मोटर का बता रहा हूँ मैं, आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट देते हैं और आपको मैकेनिकल एनर्जी आउटपुट में मिलता है, वो क्या कहलाता है, मोटर कहलाता है। तो ये जो मोटर है तो ये कैसा हमें देगा आउटपुट, मैकेनिकल एनर्जी में। मैकेनिकल एनर्जी के मतलब क्या है फ्रेंड्स, जैसे कि हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी IE है, मतलब कि इनपुट एनर्जी है, ये क्या हो गया, हमें कन्वर्ट करना है इसे मैकेनिकल एनर्जी में। ठीक है, तो हमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना है। और E0 मतलब कि आउटपुट एनर्जी हमारे पास क्या मिल रहा है, MGH, यानी कि ये क्या है, एक पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये एक पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को हम कन्वर्ट करेंगे इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। और हमें क्या क्या पता है, मास पता है, तो हमें मास पता है, मास कितना है यहाँ पर 100 kg। ठीक है, हमें ग्रेविटी पता है, ग्रेविटी हमें यहाँ पर 10 लेकर चल रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्योंकि कैलकुलेशन में थोड़ा सा इजी होगा, 10 meters per second square, ये तो होता है ग्रेविटी का। हाइट मान लीजिए 10 meters। ओके, अब टाइम मान लो आप 1 minute या और 60 seconds। ठीक है, आप 1 minute या 60 seconds ले सकते हैं। तो अभी तो रिक्वायरमेंट 1 minute में हमें 10 मीटर तक इसे लिफ्ट करना है, ऐसा हमारा रिक्वायरमेंट है। तो आप अपने हिसाब से इसे एडजस्ट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। चलो चलिए फ्रेंड देखते हैं क्या होता है। तो हमें ये जानते हैं E0 मतलब आउटपुट एनर्जी इक्वल टू क्या हो गया, MGH। ये क्या है आपका आउटपुट एनर्जी, MGH, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो ये MGH पोटेंशियल एनर्जी, और हमारे पास तीनों डेटा है, मास है, ग्रेविटी है और हाइट है। तो चलिए इसे हम E0 निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हम E0 निकालेंगे। तो E0 निकालने के लिए क्या करें, लिखेंगे यहाँ पर मास, मास कितना है हमारा 100 kg इंटू जी कितना है, ग्रेविटी 10 हमने माना है, एक्चुअली में ये 9.8 meters per second square होता है, लेकिन हम इसे कैलकुलेशन के लिए 9.8 की जगह 10 लिख सकते हैं, लिख देते हैं। और हाइट कितना है 10 meters। तो हमें E0 की वैल्यू निकलेगी, क्या निकलेगी यहाँ पर, 100 और 20 और, मतलब कि 10,000 joules। ठीक है, हमें क्या मिली एनर्जी, आउटपुट एनर्जी क्या मिली, 10,000 joules, ये जूल में निकली। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, अब आपको जैसे कि शायद पता हो या ना भी पता हो, मैकेनिकल एनर्जी में कुछ लॉसेस भी हो जाए, इलेक्ट्रिकल एनर्जी से मैकेनिकल एनर्जी में हम एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं तो कुछ लॉसेस होता है। तो इसमें कितना मैकेनिकल एनर्जी में कितना लॉस होता है, 10-20% लॉस होता है।
तो चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हम इसी तरह इलेक्ट्रिकल एनर्जी और मैकेनिकल 10-20% लॉस होता है, यानी कि 90% हमें इसका आउटपुट मिलेगा, यानी कि जो भी हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी देंगे उसका 90% ही हमें आउटपुट मिलेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का 90% आउटपुट मिलेगा। तो हम यहाँ पर एफिशिएंसी इसका क्या हो गई, 90% एफिशिएंसी हुई, मोटर की एफिशिएंसी कितनी हुई, 90% एफिशिएंसी हुई। तो 90% एफिशिएंसी हुई, तो एफिशिएंसी का क्या होता है, आउटपुट एनर्जी बाय इनपुट एनर्जी, ये होता है। ठीक है, अब हमारी एफिशिएंसी कितनी है, 90% है, यहाँ लिख लेते हैं 90% हमने एफिशिएंसी मान के चला है, क्योंकि ये 10-20 होता है, तो 10 लेस करो या 20, 80-90% एफिशिएंसी हो सकती है। तो हमने सबसे कम वाला मतलब 10 ही मान के चला है, 10% हमें लॉस होता है, यानी कि हमारी एफिशिएंसी कितनी हो गई, 90% हो गई इसके अनुसार। ठीक है, ओके, हमने इतना कर लिया। अब हम क्या करेंगे, एफिशिएंसी के अनुसार यहाँ पर लिख देंगे 90 इक्वल टू E0 कितना है हमारा, E0 है 1/4 टाइम्स 0 डिवाइडेड बाय ई आई, E0 नेम्ड E आउटपुट है ये, तो हमारा ई आई कितना निकल जाएगा। तो देखिए अभी कैलकुलेशन करते हैं, तो यहाँ क्या आ रहा है वैल्यू, ई मतलब इनपुट एनर्जी इक्वल टू क्या होगा, इनटू 100 डिवाइड बाय 90। अब इससे आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका क्या आंसर आएगा, यहाँ पर 11111.11 11111.11 ये आपका जूल में आंसर आ रहा है। मतलब क्या चाहिए यहाँ पर, इनपुट एनर्जी, यानी कि हमें पावर देना होगा, हमें इतना जूल का एक मोटर चाहिए, हमें 11000 का जूल का एक मोटर यूज़ करना होगा। अब फ्रेंड्स, आप मार्केट में जाओगे मोटर को लेने के लिए, तो आपको जूल में तो मिलेगा नहीं, तो आपको एग्जैक्ट वैल्यू चाहिए, वो वैल्यू जो आप कहीं से भी परचेस कर सकते हो, वो वैल्यू बताकर। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, इसे कन्वर्ट कर देंगे इलेक्ट्रिकल पावर में, तो इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाई टाइम, तो हम यहाँ लिख सकते हैं इलेक्ट्रिकल पावर इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी बाय टाइम। ठीक है, तो हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितना है, 5×1 है ये, .11/60 सेकेंड। ठीक है, तो हमने ये लिख दिया, उसके बाद हमें यार आंसर कितना आएगा, इसको कैलकुलेट करने पर आंसर आ रहा है हमारा 185.185 वाट। ठीक है, तो हमारा कितने वाट का यहाँ पर मोटर लगेगा, 185.185 वाट का मोटर लगेगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हमारा मोटर क्या हो, यही हमारा आंसर है, आपको इतने वाट का ही मोटर चाहिए। अगर आप पुली से कनेक्ट कर रहे हो इसे, तो आपको पुली की एफिशिएंसी भी यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी, 10% और इसे लेस करना पड़ेगा, और मतलब इसमें 10% और इसका वोल्टेज बढ़ जाएगा। तो इस तरह करके आप एक कैलकुलेशन करके ऑलमोस्ट एवरेज वैल्यू आप मोटर का ले सकते हैं, निकाल सकते हैं, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आपको किसी भी चीज़ को लिफ्ट करने के लिए मोटर के थ्रू आपको कितना वाट का ऑलमोस्ट मोटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, तो इससे आप हॉर्स पावर में निकालना चाहते हैं तो हॉर्स पावर में निकालें, क्योंकि एक हॉर्स पावर 746 वाट होता है, तो आप उस हिसाब से कैलकुलेशन करके निकाल सकते हैं कि आपको इतना वाट है तो कितना हॉर्स पावर हुआ, उसके अकॉर्डिंग आप इसमें जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपको कैसा लगा, अगर ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे कर दीजिए लाइक और हमारे चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि फ्रेंड्स इस तरह का इनोवेटिव वीडियो आपको इसी चैनल पर देखने को मिलेंगे, और आप इसी चैनल पर सीख पाएंगे इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स के बारे में, कैसे ये वर्क करता है, आप किसी चीज़ को कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर आपको कुछ और क्वेरी हो, कुछ और चीज़ के बारे में जानना हो, तो आप हमें कमेंट करें, इस तरह के वीडियो मैं आपके लिए ला दूंगा। ओके फ्रेंड्स, अभी तक के लिए थैंक यू।